कोला की मानो शामत ही आई हो। पहले फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी रोनाल्डो और अब ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर, हर कोई कोका कोला के प्रमोशन में अपनी फिटनेस टिप्स का अड़ंगा डाल रहा है। पहले आपको रोनाल्डो का एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो यूरो कप के प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोनाल्डो ने टेबल पर सामने रखी कोका कोला की बोतल को हटा दिया था और गुस्से में चिल्लाकर कहा, कोल्ड ड्रिंक नहीं, हमें पानी पीने की आदत डालनी चाहिए। 36 साल के रोनाल्डो के इस बेबाक और आक्रामक अंदाज से कोका कोला को करीब 3 खरब रुपए का भारी नुकसान हुआ था। ऐसे ही नुकसान का डर एक बार फिर कोका कोला कंपनी को सता रहा है, क्योंकि रोनाल्डो की इस हरकत की कॉपी डेविड वार्नर ने की है। हालांकि आईसीसी के कहने पर वार्नर ने कोका कोला की बोतल को वापस रख दिया था। वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले वार्नर ने स्पोर्ट्स स्टाफ से कहा, क्या वो कोका कोला की बोतलों को अपने टेबल से हटा सकते हैं, और उन्होंने दोनों बोतलों को अपने हाथ में उठा लिया। इसके थोड़ी देर बाद आईसीसी के एक अधिकारी ने उन्हें बोतल वापस रखने को कहा। वार्नर ने बोतल को रखते हुए स्माइल की और कहा, यह क्रिस्टियानो के लिए अच्छी है तो यह मेरे लिए भी अच्छी है। सोशल मीडिया पर वार्नर का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आईएन ब्यूरो।